बातिल की फौजे एक तरफ, आठों पुश्ते एक तरफ, हक का अलम उठाए खड़ा है मेरा कप्तान एक तरफ। जंजीरों में भी जकड़े जाए, जुल्म से भी रुक ना पाए, खड़ी है कौम जिसके पीछे मेरा कप्तान एक तरफ। सारा मीडिया एक तरफ, सारी कवरेज एक तरफ, फिर भी ट्रेंडिंग पे खड़ा है मेरा कप्तान एक तरफ। जहां सच का साथ निभाना मुश्किल, हक की बात बताना मुश्किल, वहां जान की बाजी पे भी राजी मेरा कप्तान एक तरफ। मुस्लिम उम्मा सोई पड़ी थी, उनके हुक्मरां बिके हुए थे, फिर से पैगामे मोहम्मद सुनाने वाला मेरा कप्तान एक तरफ। हसन उम्मीदें बुझ चुकी थीं, हार मुकद्दर में लिखी थी, सारे चराग जलाने वाला मेरा कप्तान एक तरफ। जाग उठी है कौम हमारी, हकीकी आजादी की है बारी, रब भी खुश होगा हमसे तो कप्तान हमारा एक तरफ। Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं Strugglers.com और पोएट्री सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारी पोएट्री सेगमेंट की सबसे पहली क्लास, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस क्लास में होगा क्या क्या। सबसे पहले हम एक शेर लेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, उसके बाद एक पोएट लेंगे, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे। नंबर थर्ड हम लोग बेस्ट कलेक्शन अपनी बताएं। पोएट्री की जो बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बांगे दरा, इकबाल की बुक है, और इसका पहला टॉपिक है हमाला। आज हम हमाला को पढ़ेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। अभी हम एक शेर लेंगे, फिर उसकी तशरीह करेंगे, फिर आगे हमाला की दूसरे शेरों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले, ए हमाला, ए फसील किश्वर हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। ए हमाला यानी हमालिया पहाड़, ए फसील किश्वर, फसील यानी किसी भी शहर की चार दीवारी को कहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज होती हैं, और किश्वर मुल्क। ए फसील किश्वर हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, तुझ में कुछ पैदा नहीं देरीना रोजी के निशान, तू जवां है गर्दश शामो सहर के दरमियान। इसमें देरीना रोजी के निशान का मतलब है बहुत पुराने ज़माने का होना, और गर्दश शामो सहर का मतलब है वक्त के साथ गुजरने से, यानी तुझ में कुछ पैदा नहीं देरीना रोजी के निशान, तू जवां है गर्दश शामो सहर के दरमियान। इसके बाद, एक जलवा था कलीम कलीमे तोरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए। इसमें कलीम का मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और तोरे सीना का मतलब जिस वादी या पहाड़ पर वो जाते थे। और अगले मिसरा में, तू तजल्ली है यानी तू एक नज़ारा है, जलवा है सरापा सर से पांव तक, चश्मे बीना के लिए, देखने वाली आँख के लिए। तो पूरा शेर यह है, एक जलवा था कलीमे तोरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए। अब हम सारे अशार का एक बार खुलासा देखते हैं। ए हमाला, ए हिंदुस्तान की ही वाजदी दीवार, आसमान भी झुक कर तेरी पेशानी को चूमता है, तू न जाने कब से है मगर तुझ में बुढ़ापे का कोई असर मौजूद नहीं, तेरी खूबसूरती बरकरार है, तुझ पे सुबह शाम की गर्दिशें भी असर नहीं करती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो कोह तूर पर सिर्फ एक मरतबा जलवा दिखाई दिया था, मगर देखने वाली आंख के लिए वो जलवा ही जलवा, यानी तेरी खूबसूरती में कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। ये है तमाम अशआर की तशरीह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और हर हफ्ते में एक वीडियो क्योंकि भेजता रहूँगा पोएट्री सेगमेंट की, तो इसे ज़रूर देखें, और आपकी उर्दू इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने शायरों के बारे में मालूमात की जानिब। तो इसमें इकबाल तो सबसे
पहले आते हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने तैयार कर ली है। उसके लिए आपको मैं ये ऊपर पिक्चर दिखा देता हूँ, आप जाएं चैनल पर, उसे भी ज़रूर देखें। आज के हमारे जो शायर हैं जिन पर हम बात करेंगे, जिनके बारे में जानेंगे, वो है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर 1721 में पैदा हुए और उनकी वफात 1810 में। मीर तकी मीर को इनकलाबी शायर भी कहा जाता था। मीर का असलूब बयान सादा और सलीस होने के बावजूद नुदरत और इनफरादियत का हामिल है। मीर को खुदाए सुखन के नाम से भी याद किया जाता है। उनके कलाम में रोज़मर्रा और मुहावरे का इल्तज़ाम बखूबी मौजूद है। उनके अहद को उर्दू शायरी के ज़ेरीन अहद से भी ताबीर किया जाता है। इन्हीं खसूसियात की वजह से मीर तकी मीर के बारे में बहुत बड़े खुले दिल से तस्लीम किया है। गालिब मीर के बारे में लिखते हैं, रिख्ता कि तुम ही नहीं उस्ताद हो